गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो रात में चौंक जाते हैं और बहुत ही ज्यादा रोते हैं, कितना भी उनको चुप कराओ वो बच्चे चुप नहीं होते हैं। 0 से 4-5 मंथ के बच्चे जो होते हैं उनके साथ ये चौंकने वाली जो है तो ये बच्चा बहुत ही ज्यादा चौंकता है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही बच्चे का जो चौंकना रात में होता है वो कम हो जाता है। सबसे पहला कारण पेरेंट्स ये है कि जब बच्चा हमारा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो जब बच्चा बाहर आता है तो बच्चा फीलिंग महसूस करता है कि हम कहाँ पर आ गए हैं। जब वो दुनिया में आता है, देखता है और उसका खाना पीना, मतलब मुंह चलाता है बच्चा और लेटता है, सोता है, करवट लेता है, तो बच्चे को ये महसूस होता है कि हम कहाँ पर आ गए, तो इस वजह से भी बच्चा चौंक जाता है। और दूसरा कारण ये है कि जैसे बहुत ही तेज आवाज होती है, जैसे हम लोग बर्तन रखते खट की आवाज या कोई भी चीज रखी तो खट की आवाज हुई तो बच्चा सोते हुए अचानक से चौंक जाता है। और तीसरा कारण यह है कि जैसे हम बड़े लोग होते हैं कभी कभी ये होता है कि जब हम रात में सोते हैं तो डर जाते हैं और डर करके हम चौंक जाते हैं। क्यों डर जाते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और हमारे बड़े लोग डर जाते हैं, तो इसके जो पीछे का कारण है कि क्यों डर जाते हैं तो हम इसके पीछे का कारण आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हम सिर्फ पेरेंट्स उपाय बताएंगे कि हमारे बच्चे चौंके ना और हमारे बच्चे रोए ना, डरे ना। पेरेंट्स, सबसे पहला कार्य तो आपको ये करना है कि जब आपका बच्चा सोता है रात में तो आप ये खटपट वाला काम ना करें, पहले से निपटा लें, बच्चे के सोने के पहले निपटा लें, अगर काम करें तो बहुत ही आसानी से काम करें। दूसरा उपाय यह है कि जब हमारा बच्चा रात में सो रहा है तो माँ को बच्चे के साथ ही सोना चाहिए और बच्चे के हल्के से बच्चे को अपने से चिपका लेना चाहिए जब तक कि आपका बच्चा छोटा है, और बच्चे के इस तरीके से ऐसे हाथ रखें कि बच्चे को लगे कि हाँ हमारे साथ कोई लेटा है या हमारे साथ कोई है। और तीसरा उपाय ये है पेरेंट्स कि हम सभी जानते हैं कि बच्चा जब सो रहा होता है नाइट में तो हमको सिरहाने में या बच्चे के पैतिहाने में कहीं ना कहीं बच्चा जिस जगह पे सो रहा है, जिस बेड में सो रहा है, जिस चारपाई में सो रहा है, तो कुछ लोहे का जरूर से जरूर दबा दें। बच्चे के सिरहाने के नीचे या पिल्लो के नीचे तो हम लोग कुछ नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो चारपाई या बेड का पावा होता है तो पावे में है तो हम कोई सी चीज लोहे की दबा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप पावे के नीचे दबा दीजिए और बच्चा आपका बिल्कुल स्वतंत्र से सोएगा, अच्छी नींद लेगा बच्चा और आपका बच्चा रोएगा नहीं। तो पेरेंट्स, इन सब उपाय करने से, बच्चों के साथ ये सब उपाय करने से आपका बच्चा कभी चौंकेगा नहीं और साथ में अच्छी नींद लेगा और बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा। पेरेंट्स, ऐसे ही हमारे नन्हे मुन्नों से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।